Hi guys, so I'm back with my NCA strategy series, and this is subject number 2. The first I discussed was quantity. You can find the link in the description box. And now I'm going to discuss foundation, because I received some people's messages suggesting that I should do foundation because sabko lagta hai foundation is tough. However, it is not that tough. It is just like any other exam, just that it is more theory and it is more theory and more of less of IRACs and more of writing part. So I think that's the click about it. But I'm going to share the tips and tricks which helped me pass the foundation exam. Foundation ka syllabus has also been revised, and so that's why I'm making it on the latest syllabus. I've gone through it, read about it, and last year I also spoke to somebody, this year also I spoke to somebody, and I'm well versed with the syllabus. So I'm going to give you some latest tips and tricks, but the approach remains the same which I used in 2018. So yeah, let's go look at it. Before that, is स्टार्स वाली बैकग्राउंड के लिए ही आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दे दो, थम्स अप दे दो, एंड आई विल ऑल्सो बी वेरी मच इनकरेज्ड टू मेक सच व्लॉग्स फॉर यू. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाउंडेशन लॉ, लेट्स गो. हाँ जी, तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फाउंडेशन लॉ. सो फाउंडेशन लॉ बेसिकली, अगर हम इंडिया पाकिस्तान वाले सब्जेक्ट लॉ में वहाँ पे देखें तो इट इज़ ज्यूरिसप्रूडेंस. इफ़ यू हैव स्टडीड एंड यू नो अबाउट इट, ज्यूरिसप्रूडेंसेस कहते हैं, जिसको ज्यूरिसप्रूडेंस भी आ गई ना, उसको समझ आ जाता है कि दैट वेयर लॉ इज गोइंग टू. सो ज्यूरिसप्रूडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट टॉक्स अबाउट थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, नेचर, सोर्सेज, हाउ लॉ वॉज मेड, वाई लॉ वॉज मेड, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, एंड ऑल द प्रोसेसेस एंड ऑल द थ्योरीज जिस पे बेस्ड होता है. सो ज्यूरिसप्रूडेंस इज वॉट फाउंडेशन ऑफ कैनेडियन लॉ इज, एंड यू जस्ट नीड, दे जस्ट नीड यू टू नो दैट वॉट आर द थ्योरीज ऑन विच कैनेडियन लॉ वॉज इवॉल्व्ड. सो इफ यू आस्क मी, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरीज, देन दिस पेपर बिकम्स रिलेटिवली ईजी, बिकॉज आपको थ्योरी बेस्ड का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट चेक करेगा. अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भी वो आपको एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरीज पे ही टेस्ट करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो दैट वॉट इज फाउंडेशन लॉ. सो एज आई टोल्ड यू, फाउंडेशन लॉ can be equivalent to jurisprudence in our countries. So next, let's talk about what is the syllabus and how do we go about the syllabus. सबसे पहले scope of course you have to study. So they have mentioned that what they want is, and what they're looking for in NCA applicants is, that you guys know that the what are the concepts of the constitution, what are the natures and sources of the फाउंडेशन लॉ. बट सिलेबस देख के बिल्कुल नहीं घबराना. आई नो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट आपने घबराना नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच डूएबल. आपसे पहले भी लोग कर रहे हैं और आपके बाद भी लोग करेंगे. सो यू हैव टू जस्ट बी वेरी रियलिस्टिक इन दिस होल पेपर. द अप्रोच इज रियलिस्टिक, द कॉन्सेप्ट्स आर रियलिस्टिक, एंड द सिलेबस वॉज ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक. इट इज़ नथिंग दैट यू कॉन्ट डू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. देन डू नॉट, सिलेबस खोलते ही इफ यू आर ओपनिंग इट ऑन द कंप्यूटर, डू नॉट स्टार्ट क्लिकिंग ऑन द आर्टिकल्स. डू नॉट डू दैट, आप डर जाओगे, बिल्कुल मत करना, बिकॉज आर्टिकल्स हार्वर्ड लॉ रिव्यू के हैं और ये सारे बड़े लंबे लंबे आर्टिकल्स हैं. डू नॉट गो इन टू दैट राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द सिलेबस अ ग्लिम्स, लाइक अ बर्ड आई व्यू, लाइक आई ऑलवेज से, आई सेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, आई से फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो, दैट गिव इट अ बर्ड आई व्यू. नाउ वेन यू हैव गिवन इट अ बर्ड आई व्यू, यू विल सी दैट वॉट आर दे एक्चुअली टेस्टिंग यू फॉर. दे आर एक्चुअली टेस्टिंग यू फॉर द concepts of the foundations and what are the pillars of jis pe Canadian law khada hai. So what are the pillars that, you know, this are the strength and spine of this of their constitution and of their rule of law. So all of us are well versed with rule of laws, and we know we had some boring it was a boring lecture back in law days, whereby it was about the concept positivism, natural thinking, sources of law. पहले किंग्स होते थे, उनकी बात मानी जाती थी. देन डिवाइन राइट्स, हाउ दे केम इन. सो ऑल दीज आर्टिकल्स, ऑल दीज थ्योरीज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स आर गिवन अंडर टॉपिक 1. सो ये वो चाहते हैं आपको पता हो. फिर वो चाहते हैं आपको पता हो दैट कैनेडा इज स्टिल अंडर द क्वीन. सो देर आर प्रेरोगेटिव ऑफ द क्वीन एंड देर प्रेरोगेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. सो हाउ डज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल वर्क. देन यू नो कैनेडा इज अ डेमोक्रेसी. देन यू विल नो दैट इसकी पार्लियामेंट में बड़ी सारी राइट्स हैं विच आर एज सेम एज
the rights which we had back home and which other democracies, parliaments might be having about prorogation powers and what are the other powers. So all these powers ko unhone discuss kara hua hai. Then very important topic is separation of power. So then they have discussed separation of power, that executive, legislature, judiciary separated. Is pe bhi unhone 5-6 articles aapko de diye hain, but you do not have to panic. एंड जहाँ पे उन्होंने केस दिया है आपको, आपने वो केस कैनली पे जाके ओपन करना है, डेफिनेटली करना है. बिकॉज अगर आपने वो केस के बारे में जिस नहीं पढ़ा, तो हो सकता है आपका जो क्वेश्चन, जब आपके पास आपको क्वेश्चन पेपर सामने आए और अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना है. सो आई रिमेंबर जब मैंने पेपर दिया था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने बोला था दैट द क्वीन इज मेकिंग सम काइंड ऑफ नोट्स एंड सम नोट्स मेकिंग पावर हैज बिन स्टॉप्ड एंड सम काइंड ऑफ इमरजेंसी इज देयर इन कैनेडा. सो अब किसकी प्रेरोगेटिव चलेगी, क्या होगा. सो यू नीड टू नो दैट सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन लगना था, या जो भी एक्स वाई जी डॉक्ट्रिन उस टाइम लगना था. क्वेश्चन के फैक्ट्स एग्जैक्टली आती हैं, बट ऐसे उन्होंने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिया था और आपको अप्लाई ये वाले प्रिंसिपल्स करने थे. सो इफ योर प्रिंसिपल्स, योर कॉन्सेप्ट्स, योर थ्योरीज आर क्लियर, यू कैन ऑलवेज अप्लाई देम. सो डोंट वरी अबाउट इट. Okay, next let's talk about how to answer the foundation paper. I know you as you mentioned that you cannot answer in the form of IRACS, and IRACS is the only method that you learned in American GD. But IRAC ke ilawa also there are options. There is CRAC, that is conclusion, rule, analysis, conclusion. A typical memorandum, if you've ever prepared or if you know, is prepared in that way. You write a short conclusion. Definitely, what is prima facie you can see from the question. So short conclusion is basically a paraphrase kar dete ho, just have introduction mein paraphrase kar dete ho question ko hi. So you do that in the short conclusion, then you write the rule. What is the rule? The rule talks about whatever law you are referring to, whatever doctrine you are referring to. So you have to mention that. Analysis is the theory part. जो आपके open book exam होगा, आपके सामने notes होंगे, you will open them and you will write exactly what is relevant. Do not write non-relevant things. Write what is relevant because that is what they're looking for. And then write your detailed conclusion. So conclusion in the end is also very important. Short conclusion, rule, analysis, conclusion. CRAC method से आप अगर आपको लगता है you can't use IRAC because you can't identify an issue, then you do CRAC. Also, what I used to do is I used to write introduction, and then introduction is a must. Like I used to write introduction and everything, and introduction I just used to paraphrase and rephrase the whole question that they've given me. So I used to do that, and then I used to write some heading of the main thing, and then another heading, and then talk about. So heading, subheadings mein I used to write my answer in a very very organized manner. So I think that really helped, and I also suggested this to so many people after I cleared my exam, and it helped for them as well. So I think it should help you guys also. And CRAC and introduction and a normal with the body, like a proper answer, can be there. Do not write content which is, you know, you're just filling it. Don't do that. Write relevant content, write relevant case law, mention relevant content. And also agar aap article ko refer kar rahe ho, you have to make sure if you're quoting something from the article, do it in inverted commas. You should know that you are quoting something, so aap usko inverted commas mein zarur dalo. And you also write that you are referring to this particular article, because if you don't do that, they might just cancel your paper and tell you that you can't copy paste and you can't do that plagiarism. So you can't plagiarize, you have to give the credits to the person you are referring to. Also, if you are doing this from the judgment, then you should write Justice Hopkins said, Justin Lammer said, Justice whatever, जिसकी भी आप judgment quote कर रहे हो. But अगर आपके concept clear हैं, तो आप उस चीज़ को अपनी language में भी लिख सकोगे. It is not that difficult. So we've discussed the first topic. Now I'm going to go to the second topic. I have the syllabus with me, and the second topic is Indigenous people and the law. So Indigenous people, as I told you, Aboriginals is a very important community here, a very important part of Canada. So unki treaty rights aur unke jo title rights hain, unki national land rights hain, ye sab aapke cases pe based hain. R versus Marshall, R versus Bernard. There are some relevant cases which are also given in the syllabus. Canley is the source that you have to refer to. And abhi you have time, right? So if you have time, why don't you go and open up the judgment and just read the main gist of it. Canley has already has short judgment, so you should go and refer it for sure. Aap article se bhi pehle aap judgment padh sakte ho cases ki. Aur dekho, aisa nahi hai that you have to start with first topic or second topic or third topic. Pick up whatever topic you like. I don't think in foundation one topic is related to another. However, obviously the whole
crux is that they're all sources and the backbone of the Canadian law. But you can pick up any topic and you can start reading it. I started जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, because मुझे ये काफी बोरिंग लग रहा था और थ्योरी बेस्ड लग रहा था, तो आई स्टार्टेड विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कनेडियन लीगल सिस्टम, दैट इज द फोर्थ टॉपिक, बिकॉज रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये सब हमने वहाँ पे भी पढ़ा हुआ था. एंड इन माई लॉ डिग्री, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये सब सुन के इतना न्यू न्यू कुछ नहीं लग रहा था. तो आई वॉज जस्ट लाइक दैट, ओके आई जस्ट हैव टू गो एंड रीड दिस एंड आई विल समहाउ हैव दैट आइडिया. इतने इतने भी डम नहीं हम. एंड इसमें जैसे केसेस हैं सिंह वर्सेस कैनेडा, सो यू कैन सी, यू नो, इफ यू ओपन द सिलेबस यू विल सी सिंह वर्सेस कैनेडा, साइटेशन दी हुई है उन्होंने केस की, एंड दे मेंशन पेज नंबर 13 to 44. सो पेज नंबर 13 to 44 इज रेलिवेंट फॉर यू. नाउ वाई डोंट यू ओपन, गो एंड ओपन द जजमेंट एंड रीड द पेजेस, बिकॉज अगर वो रेलिवेंट है तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि किस टॉपिक से वो रेलिवेंट है. सो जैसे ही आपने उसको टॉपिक से रिलेट कर लिया, आप समझ लो जजमेंट में तो आपका टॉपिक ही कवर हो गया ना, तो आप जरूर पढ़ो. एंड देन यू हैव पार्लियामेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट. पार्लियामेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट में कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, सीनेट, हाउस ऑफ कॉमन्स, और उनकी क्या क्या वो होती हैं. बीच में मैं टॉपिक एक मिनट भूल गई थी. द थर्ड टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ कैनेडियन लॉ. ओके, यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रेंच की गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ शुरू कैसे हुआ था, यूरोपियंस आए थे, यूरोपियन लॉ स्टार्ट हुआ था, और फिर कॉमन लॉ किस पे बेस्ड है. हमें भी पता है, इंडिया में भी था, पाकिस्तान में भी होगा आई एम श्योर, कि कॉमन लॉ इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस एंड इक्विटी. सो इक्विटी पर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, सो यू शुड गो एंड चेक दैट आउट एंड डेफिनेटली गिव योर नोट्स अ थरो रीड. रीड जरूर करो, बिकॉज रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. गो एंड रीड योर नोट्स. एंड अगर आपके पास, यू नो, देर आर मेनी ट्यूटर्स इन द मार्केट हु आर गिविंग नोट्स, हु आर इवन गिविंग क्लासेज इफ यू वॉन्ट, बट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई नो कि पीपल आर गिविंग आउट देयर नोट्स एंड स्टफ, विच इज़ वेरी गुड फॉर लिरन है, वेनेसा है, आमिर चौधरी हैं, बड़े सारे लोग हैं जो अपने नोट्स दे रहे हैं. सो आई थिंक यू कैन गो एंड बाय सम गुड नोट्स एंड देन स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. एंड नोट्स आर सफिशेंट. ये जो इतने सारा मटीरियल दिया हुआ है ना, आई डू नॉट थिंक ऑनेस्टली कि इसमें आपको नोट्स के अलावा कोई बुक लेनी पड़ेगी. वॉट यू डू इज, ये सब कुछ आर्टिकल्स पे बेस्ड है. आप अपने नोट्स लो और आप ये इसके साथ अपना थोड़ा सा कोलैबोरेट करके पढ़ते रहो. अगर जैसे आपको कोई नोट्स से टॉपिक नहीं समझ आ रहा, सो यू ओपन द आर्टिकल. अदरवाइज जस्ट ओपन द आर्टिकल वाइल स्लीपिंग एट नाइट एंड यू जस्ट गोइंग रैंडम रीडिंग, ओनली डू दैट. इतना स्ट्रेस मत लेना आर्टिकल्स को खोल खोल के, बिकॉज आर्टिकल्स बहुत लंबे हैं. देन पार्लियामेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट हो गए, ऑब्वियसली ये आपको समझ आता है. फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इज अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर केसेस दिया हुए उन्होंने 3-4, एंड उस पर भी रिक्वायर्ड रीडिंग यही है. आप नोट पढ़ोगे, आप केसेस पढ़ोगे, आपका टॉपिक डन है. मेनली जो फाउंडेशन की बात है ना, टॉपिक्स तो सब कुछ समझ आ जाते हैं. मेनली जो ये बात है, आपका जो कॉन्सेप्ट थ्योरी पे है ना, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए. यू शुड नोट दैट वॉट आर दे आस्किंग. समटाइम्स द क्वेश्चन विल विच कम्स, एंड स्पेशली द वंस सैम्पल एग्जाम में भी जो दिया हुआ है यहाँ पे, इज लाइक कि वो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या टॉपिक है. तो यू हैव टू इंटरप्रेट दैट वॉट आर दे एक्चुअली आस्किंग यू. सो वो आप कैसे कर पाओगे, यू कैन ओनली डिसाइड दैट वंस यू नो, वंस यू आर वेल रेड विद योर मटीरियल. बट आपको अगर नहीं भी समझ आता है ना, बेसिक तो आपको समझ आ रहे हैं ना कि वॉट द क्वेश्चन इज सेइंग एंड वॉट सब्जेक्ट, मैं किस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देने आया हूँ, डू राइट, बिकॉज दिस इज अ थ्योरी बेस्ड पेपर. इसमें आप कुछ तो लिख कर आओ, डू नॉट लीव इट, बिकॉज अगर आप, इफ यू लीव इट, देन आई एम थिंक यू आर लूजिंग ऑन टू सम नंबर्स विच यू माइट जस्ट गेट. सो यू शुड टेक दैट अप्रोच, क्योंकि मेरे को भी याद है, आई थिंक ऐसा होता है कि कभी कभार आपको पेपर में कुछ नहीं याद आता. बस दैट्स ऑल अबाउट इट. लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं 9 और 10, वो एडमिन लॉ से बड़े रिलेटेड हैं. नेक्स्ट व्लॉग में एडमिन लॉ पे बना रही हूँ, सो यू विल हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू द एडमिन लॉ. एडमिन लॉ का बहुत अच्छा मेरे माइंड में है, इट्स योर, तो मैं आपको वो बर्ड आई व्यू पूरा उसका सिलेबस का दूंगी, और तब आप एडमिन लॉ शुरू करना. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो ऑल दीज आर प्रैक्टिकल टिप्स, आई होप you like them. And yeah, please keep commenting and keep asking me. I am very much free aajkal, main acche se jawab de sakti hu sabko. Aur yeah, let's go. And I should say good night to you guys right now, because yahan pe it's late. And bye guys. So do well, study well, and stay home, stay inside. The same thing, hamara lockdown extend ho chuke hain hamare bhi, I'm sure aapke bhi. So just stay home and use this time as much as you can, because you're not getting this time back, right? Bye bye.